नालागढ़ स्कूल के बहुचर्चित छेड़छाड़ मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस अधीक्षक बिंदु रानी सचदेवा की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने इस मामले में छेड़छाड़ के आरोपों को निराधार बताया और स्कूल प्रबंधन व छात्राओं के साथ बातचीत की। नालागढ़ के एक निजी स्कूल में पिछले दिनों एक टूर के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य पर अपने ही स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन जब इस मामले की पुलिस विभिन्न सेल ने बारीकी से छानबीन की तो उसमें कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसमें प्रिंसिपल को दोषी ठहराया जाए। इस सारे मामले की छानबीन बद्दी की पुलिस अधीक्षक बिंदु रानी सचदेवा की देखरेख में बारीकी से की गई, जिसमें ये सारा मामला झूठा साबित हुआ। इसकी पुष्टि एसपी बिंदु रानी सचदेवा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान की। इसकी जांच महिला थाने की एसएचओ ने की और इसमें किसी भी लड़की ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो जो आरोप लगाए जा रहे थे उसकी पुष्टि पुलिस की जांच में नहीं हुई। स्कूल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान स्कूल प्रबंधकों, अध्यापकों और सभी छात्रों से बात की गई, जिसमें उन्होंने इस सारे मामले को जड़ से नकारा। कौन सी क्लास में? अच्छा, आपने अभी ये सुना होगा कि भी ये सोशल मीडिया पे जो है आपके प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बातचीत हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर मेरे साथ वाली सीट पे बैठे थे, हम लोग पूरी ट्रिप में प्रिंसिपल सर के साथ बहुत फ्रेंड थे हमारे साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर होता ऐसा कुछ भी नहीं, अगर होता तो हमें पता लगता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना हमसे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सब लोगों ने आके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लिए। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से अब कोई क्वेश्चन ना हो, कोई इंक्वायरी ना हो, हम लोग और क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। नो सर, बिल्कुल नहीं, ये न्यूज़ अफवाह है। 24 तारीख को गए थे शाम को 6 बजे, दो पता नहीं 3 तारीख को आए थे। 10 दिन का टूर था। कितने जने थे आप टूर में? सर 64 स्टूडेंट्स थे शायद, अप्रोक्सीमेटली 64 या 65। तो कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ था? नो सर। इस सारे मामले में जब स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो उससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सब निराधार है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा पता चला है कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली है और उसमें उन्होंने ऐसा पाया है कि किसी भी बच्चे का कोई गलत बयान नहीं है। उन्होंने सभी ने यही बयान दिया है कि वो सुरक्षित है और उनके सब कुछ भी ऐसी छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी मैं पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से 15 दिन तक ये तफ्तीश की है, वेरिफिकेशन की है। और अभी कुछ बच्चों ने भी बयान दे दिया है कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, ठीक ठाक वापस आए हैं। और मेरे पास इस पूरी घटनाक्रम में किसी ने भी कोई पेरेंट्स ने आकर कंप्लेंट नहीं की है और ना ही कोई पुलिस में ऐसा मामला दर्ज था, ना ही कोई शिकायत थी। और अभी भी लेकिन मेरे को शक है कि कुछ तत्व है, क्योंकि जब मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत ही नहीं थी पेरेंट्स की तरफ से, तो भी इतनी बड़ी ये इंक्वायरी हुई है, कोई भी शिकायत नहीं थी। और अभी भी मुझे पूरा पूरा शक है कि कुछ लोग कुछ बच्चों को बहका रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ गलत बयान देने की तरफ मोड़ने की साजिश रच रहे हैं। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।